जय हिंद नमस्कार देखो ये लाभ हानि का लेक्चर नंबर सात है और हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में कई तरह के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है और काफ़ी आसान मेथड से बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के बिना कोई भारी भरकम फॉर्मूला लगाए हुए उसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं देखो कितने आसान क्वेश्चन कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं देखो ये एक क्वेश्चन है जो आप लोग कई एग्जाम में देखे होंगे ठीक है और इसका बहुत लंबा मेथड एक्स या फॉर्मूला बहुत भयानक सब फॉर्मूला है गेहूं के मूल्य में दस प्रतिशत की कमी होने पर एक व्यक्ति एक रुपए में पचास ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है तदनुसार उस कमी से पहले एक रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एक छोटी सी कहानी के हेल्प से ठीक है एक साधारण सी बात आप लोग समझिए कि मान लो एक रुपये की बात हो रही है ठीक है एक रुपये में पचास ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता था और पूछा भी जा रहा है कि एक रुपए में कितना खरीदा जा सकता था और अभी दस प्रतिशत की कमी हुई तो एक रुपये में पचास ग्राम अधिक खरीद पा रहा है मतलब नया रेट पे उसको एक रुपये में पचास ग्राम अधिक मिल रहा है तो देखो सिंपल तरीका इसका यह है कि तुम मान लो कि बाज़ार गए एक रुपया लेके ठीक है वैसे एक रुपये में तो कुछ मिलता नहीं है ये समझ लो आज़ादी के टाइम का डाटा रहा होगा कि उसी समय ऐसा मिल सकता है फिर भी अब दिया है तो हम लोग को बनाना ही है तो एक रुपए में एक रुपया लेके बाजार गए एक रुपया का मतलब क्या सौ पैसा पैसा मान लेने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है काटकूट में ठीक है तो सौ पैसा लेके बाजार गए और बाजार गए तो ये देखे कि भाई रेट कम होया हुआ है कितना कम होया हुआ है दस प्रतिशत रेट कम होया हुआ है तो सौ रुपए में से अगर दस प्रतिशत कम करोगे सौ पैसे में से दस प्रतिशत कम करोगे तो क्या आएगा नब्बे पैसा है ना मतलब कि नब्बे पैसे में ही उतना गेहूं हो गया जितना वो खरीदा करता था तो इसका मतलब क्या है कि जो दस प्रतिशत वाला अमाउंट है मतलब कितना दस 10 पैसा सौ रुपए का दस सौ पैसे का दस प्रतिशत क्या है दस पैसा ये दस पैसा जेब में बच गया अब ये सोच रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो हो सकता है फिर रेट ज्यादा मिले तो दुकानदार को बोला कि भाई ये जो दस पैसे मेरे पास बचे हुए हैं इसका भी दे दो गेहूं ठीक है अभी जो नया रेट चल रहा है उस नए दर पर ये नया दर पर इस दस पैसे का भी गेहूं खरीदा तो दुकानदार क्या बोला कि भाई दस पैसे में पचास ग्राम गेहूं आपको मिल जाएगा ठीक है दस पैसे में कितना मिल जाएगा पचास ग्राम गेहूं ये नया दर है ध्यान रखना और खरीदी कितने का करते थे पहले सौ पैसे का करते थे तो अभी भी सौ पैसे की ही तो खरीदारी करेंगे ठीक है नए दर पे भी सौ पैसे की खरीदारी करेंगे तो दस का दस गुना सौ तो पचास का दस गुना क्या हो गया पांच सौ ग्राम है ना मतलब सौ पैसा का मतलब एक रुपया में पांच सौ ग्राम गेहूं खरीद जा, जा पा रहा है अब आधा किलो गेहूं एक रुपया में हम लोग खरीद पा रहे हैं नए रेट पर तो इसका मतलब एक किलो गेहूं दो रुपए का आएगा है ना अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं तो नए दर पर सौ पैसे में पांच सौ ग्राम गेहूं आएगा ध्यान रखना ये नया दर है अभी का टाइम क्योंकि दस पैसा जो बचा उससे गेहूं खरीदे हैं हम लोग ठीक है तो पचास ग्राम मिला था तो एक रुपये में पांच सौ ग्राम हो रहा है तो ये देख के ऑप्शन नंबर टू टिक नहीं कर देना है नहीं तो गलत हो जाएगा इसमें पूछा जा रहा है कि उस कमी से पहले रेट कम होने से पहले रुपए में कितना गेहूं खरीद, खरीदा जा सकता था तो भाई अभी आधा किलो गेहूं आ रहा है 500 ग्राम तो ये 500 ग्राम 50 ग्राम बढ़ के ही तो मिला है तो इसमें से ये जो 50 ग्राम हम लोग ज्यादा खरीदे थे उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा साढ़े चार सौ ग्राम साढ़े चार सौ ग्राम गेहूं सौ पैसे में पहले खरीद पाते हम लोग ये इसका पुराना दर हो गया ठीक है पुराना दर तो आया बात समझ में आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर चार सौ ग्राम गेहूं पहले एक रुपए में खरीदते इसी में में अगर पूछ देता कि भाई रुपए कितना गेहूं खरीदा जा सकता था पांच रुपए में कितना खरीदते तो उसके अकॉर्डिंग गुना करके आप लोग निकाल सकते थे है ना वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि हो गई तदनुसार एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो खपत में कितनी कमी करनी होगी देखो भाई सीधी सी बात है अगर किसी चीज का दाम बढ़ता है दाम बढ़ता है और आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है इनकम नहीं बढ़ रहा है उतने में ही काम चलाना है तो खपत कम करना होगा अगर पहले एक किलो चीनी खाते थे तो हो सकता है कि आपको 800 ग्राम चीनी खाना पड़े ठीक है ताकि एक किलो के दाम में जितना बढ़ोतरी हुआ उसको मैनेज किया जा सके तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले भी हम वीडियो ला चुके हैं प्रतिशत में भी इसका अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो था ठीक है मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर चार था परसेंटेज का ठीक है तो आप लोग उसको देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को तीन तीन चार चार तरीके से बताया हुआ है आप लोग को ठीक है लेकिन <coughs> यहाँ पे हम लोग वो मेथड करेंगे जो आपको अपनाना है एग्जाम में ठीक है देखो एक फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट ठीक है ये जो है प्रतिशत चेंज है, है प्रतिशत चेंज किस चीज का किसी भी क्वांटिटी में अगर कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी या घटोतरी घर, होती है कमी होती है ठीक है अब देखो यहां चीनी की कीमत में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि हुई तो एक्स को मान लो प्लस पच्चीस और खपत में कमी जो है वो है वाई ठीक है तो ये तो पता है नहीं इसको निकालना है तो y को y ही रहने देते हैं जो भी मान आएगा उससे अपने आप पता चल जाएगा कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है इसको देखिए कैसे पच्चीस वाई बटा में सौ एक्स के जगह पच्चीस रख दिया और ये जो फॉर्मूला है ये चेंज का है, का है परिवर्तन का है परिवर्तन कितना हो रहा है कुल खर्चे में तो जीरो क्योंकि जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही अभी भी कर रहा है ये प्लस पच्चीस अगर उधर ले जाए तो माइनस पच्चीस होगा और ये सौ गुना वाई सौ वाई प्लस पच्चीस मतलब एक सौ पच्चीस वाई बटा सौ बराबर कितना बन गया भाई माइनस पच्चीस है ना अब इसको सॉल्व करना है इधर पच्चीस से काटोगे तो पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस पच्चीस चौका सौ ये पांच से उधर वाला पच्चीस कट सकता है आ, पांच बार में पांच पचे पच्चीस तो y का मान क्या निकल के आया ये चार जाके गुना होगा माइनस पांच में तो माइनस बीस निकल के आएगा और वो भी प्रतिशत में यहां x और y सब प्रतिशत में ही है इस फॉर्मूले में ठीक है तो माइनस बीस प्रतिशत आया y का मान और y क्या था भाई खपत में कमी है ना तो ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि कमी होगी माइनस साइन ये दिखा रहा है कि कमी होगी क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग प्लस लिए थे अगर आप पहले से ही माइनस लेके चलते एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई, वाई हंड्रेड लेकर चलते तो ये वाई आपको पॉजिटिव नजर आता है ठीक है लेकिन ये प्लस वाला ही लेना ज्यादा सुविधाजनक है इससे क्या होता है कि एक तो याद रखने का झमेला नहीं है दूसरा कि जो आंसर आएगा वो खुद ब खुद बता देगा कि भाई कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है क्योंकि कई ऑप्शन में ऐसा भी आप लोग देखते होंगे कि इतना प्रतिशत कमी इतना प्रतिशत वृद्धि चार तरह के ऑप्शन कमी वृद्धि के हिसाब से दे देते हैं ठीक है तो वहां ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है गलत नहीं होगा एग्जाम में कभी ठीक है तो माइनस साइन बता रहा है कि कमी होगी और कितनी कमी होगी तो बीस कमी होगी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू आया बात समझ में अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो इसका भी थोड़ा प्रो लेवल है 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 ना? क्या है इसमें? देखो एन चावल 25 पर प्रतिशत हानि होने का दावा करता है तथा एक किलोग्राम की जगह साढ़े सात सौ ग्राम का भार का प्रयोग करता है तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है ठीक है देखो यहाँ लाभ हानि दोनों दिया है वो में, खुद से चुनिए क्या होने वाला है ठीक है तो देखो एक बात तो ये कि अगर चावल पर 25 प्रतिशत हानि होने का दावा करता है मतलब कि अगर सौ रुपीज उसका सौ रुपया उसका क्रैमुल रहा होगा तो 25 परसेंट हानि पर वो बेचेगा कितने में सौ रुपये का 25 परसेंट होता है पच्चीस रुपया पच्चीस रुपया का लॉस ले लेगा मतलब कि सौ प्रतिशत हानि में वो पचहत्तर रुपये में बेचेगा ठीक है पचहत्तर रुपये में बेचेगा ये पच्चीस प्रतिशत हानी होने के बाद अब पहले सौ रुपए जब क्रैमुल था तो वो एक किलो सामान खरीद के लाया था है ना और जब 25 परसेंट लॉस ले रहा है तो बेमानी करके साढ़े सात सौ ग्राम ही बेच रहा है सात सौ पचास ग्राम आए बात समझ में तो यहां पर देखो द, जितना घाटा वो कर रहा है डंडी के उसको मैनेज करने का भी कुछ कोशिश कर रहा है अब देखना यह है कि उसको कितना फायदा या नुकसान होता है ठीक है तो देखो एक केजी के जी के जगह अब साढ़े सात सौ ग्राम वो तोल रहा है ठीक है तो कायदे से अगर देखा जाए तो साढ़े सात सौ ग्राम का सात सौ पचास ग्राम का सेलिंग प्राइस मैंने मूल्य जो है वो पचहत्तर रुपया है है ना पचहत्तर रुपया है तो अगर कोई बोलेगा हजार ग्राम मतलब एक किलोग्राम का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा भाई तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत तो है नहीं सौ रुपए ही होगा आप निकाल सकते हैं और यही एक किलो मतलब हजार ग्राम का क्रैमुली सौ रुपए हम लोग माने हुए थे ठीक है हजार ग्राम का भी सौ ही माने हुए थे तो भाई एक किलो जितना में बेचा उतने ही में खरीदा था तो कोई लाभ हानि हुआ नहीं ऑप्शन नंबर तीन ऐसा हो आंसर इसका होगा ठीक है देखो इस तरह का केस तभी होता है इस तरह का केस तभी होता है जब या तो दुकानदार को पुराना बचा हुआ माल निकालना हो है ना तब आ, कुछ घाटा लेके वो बेचता है और वजन कम उम करके और उसको किसी तरीके से अपना पूंजी निकालने की कोशिश करता है और दूसरा तभी होता है जब दुकानदार को मैथमेटिक्स ठीक से नहीं आती है और वो ये हिसाब लगाने में कच्चा हो जाता है कि भाई एक किलोग्राम के जगह पे कितना डंडी मारा जाए कि थोड़ा बहुत लाभ भी कमा लिया जाए तो यहाँ पे सिर्फ ढाई सौ ग्राम डंडी मारने से काम चला नहीं ठीक है तो ये हुआ बात देखो इसका एक और तरीका आप लोग को बताना चाहते हैं इसमें तो यही तरीका बेहतर है क्योंकि बहुत ईजी डाटा था आसानी से निकल आया ठीक है लेकिन देखो इसमें हम लोग वो मेथड भी लगा सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था कैसे करना है देखो हर मेथड जानना चाहिए मैथमेटिक्स सीखने का मतलब यह है कि आपके पास कई तरीके मौजूद हों एक तरीके से ना समझ में आए दूसरे तरीके से एग्जाम सॉल्व करके चले आए है ना एग्जाम में क्वेश्चन देखो पहला बात यह बोल रहा है कि पचहत्तर प्रतिशत पर बेचा है ना या ये कहें कि पच्चीस प्रतिशत क्या हानि ले रहा है तो एक बात तो यह है और दूसरा बात यह है कि एक किलोग्राम की जगह अगर साढ़े सात सौ ग्राम के भार का प्रयोग करता है तो ये डंडी मारने में कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये निकालते हैं ठीक है तो देखो डंडी मारने में जो लाभ होता है लाभ प्रतिशत इसका फॉर्मूला एक होता है आप लोग याद रख सकते हैं वैसे इसका और भी तरीका आप लोग को बताया हुआ है कई शॉर्ट्स वीडियो पे भी इस बटखरे वाले सवाल पे आ, मेरे चैनल पे है ठीक है तो कई तरीके इसके बनाने के तो फॉर्मूला यह है क्या त्रुटि गुना सौ में सत्यमा सत्यमाप ठीक है सत्यमाप का मतलब ओरिजिनली वो जो तोला वो है सत्यमाप सत्यमाप का मतलब ईमानदारी नहीं सत्यमाप का मतलब जितना वजन वो तोला तो भाई त्रुटि मतलब बटखरे में कितने का दोष था? तो एक किलोग्राम की जगह साढ़े सात सौ ग्राम, ग्राम तोला जा रहा था मतलब ढाई सौ ग्राम का त्रुटि था बटखरा डिफेक्टिव था ढाई सौ ग्राम से है ना गुना सौ बट हम सत्यमाप मतलब एक्चुअली वो दिया कितना तो एक्चुअली वो साढ़े सात सौ ग्राम तोलता है ठीक है वास्तव में वो सात सौ पचास ग्राम ही तोलता है कहता है एक किलो है लेकिन तोलता है साढ़े सात सौ ग्राम तो अढ़ाई सौ से साढ़े सात सौ काटोगे तो तीन आएगा और लाभ प्रतिशत आ गया सौ बटा तीन प्रतिशत ठीक है अब देखो एक तरफ उसको हानि हो रहा था एक तरफ उसको हानि हो रहा था पच्चीस प्रतिशत का दूसरी तरफ लाभ कमा रहा है सौ बटा तीन प्रतिशत तो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट वाला फॉर्मूला लगाए तो देखो किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा x का मान माइनस पच्चीस पचीस प्रतिशत हानि प्लस y का मान सौ बटा तीन प्रतिशत सौ बटा तीन प्रतिशत प्लस x का मान कितना माइनस पच्चीस गुना सौ बटा तीन और सबके बटा में है सौ ठीक है तो देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस पच्चीस से ये सौ कट जाएगा चार बार में और इस चार से ये ऊपर वाला सौ भी हम लोग काट सकते हैं कितने बार में पच्चीस बार में सीधे सौ से सौ भी आप लोग काट सकते थे इतना घुमा फिरा के करने का जरूरत था नहीं ठीक है तो यहां नजर आ रहा है माइनस पच्चीस प्लस सौ बटा तीन प्रतिशत माइनस पच्चीस बटा तीन ठीक है ये प्रतिशत लिखो या ना लिखो पूरे फॉर्मूला में प्रतिशत तो है ही तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है ठीक है अब देखो सबके नीचे ऐसी तीन है तो माइनस पच्चीस में तीन गुना होगा तो माइनस पचहत्तर बनेगा प्लस यहां बनेगा सौ और यहां माइनस पच्चीस ही रहेगा क्योंकि नीचे तीन है ठीक है तो देखो माइनस पचहत्तर और माइनस पच्चीस सोल्व होकर माइनस सौ बनने वाला है और एक प्लस सौ है तो माइनस सौ प्लस सौ और माइनस सौ बटा तीन सौ में से सौ हो गया क्या हो गया जीरो परसेंट का चेंज हो रहा है तो जीरो परसेंट के चेंज का मतलब है कि न वो लाभ कमा पाया ना हानि कमा पाया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीन तो आया बात समझ में इस तरीके से एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर मान के नहीं बनाना हो तो देखो मान के ये क्वेश्चन इसलिए बन गया क्यों डाटा इसका आसान था ठीक है लेकिन तो कई बार होगा कि आपको यही मेथड लगाना पड़ जाएगा ठीक है तो हर चीज जानिए सीखने और कोशिश बंद नहीं होना चाहिए कहा जा रहा है कि एक दुकानदार दस रुपए में सात पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें चालीस परसेंट लाभ पर बेचा तदनुसार तो किसी खरीददार को दस में कितने पेन मिले ठीक है तो देखो यहां भी हम लोग के पास कई तरीके हैं ठीक है एक तरीका तो ये है एक तरीका तो ये है कि यह सात पेन का व्यापार हो रहा है उसके हिसाब से बनाए फिर हम बताएंगे मेरा तरीका ठीक है जिससे बहुत आसानी सॉल्व होगा देखो सात पेन का बिजनेस हो रहा है भाई बिजनेस कितने कलम का है सात कलम का बिजनेस है ठीक है सात पेन ठीक है सात कलम का बिजनेस है तो सात कलम का सात कलम का सीपी, सीपी है भाई दस रुपया और दस रुपया सीपी है चालीस परसेंट लाभ ले रहा है चालीस परसेंट क्या ले रहा है लाभ तो देखो जब सीपी पता है और लाभ पता है कितना चालीस प्रतिशत तो बिक्रैमुल निकालने का तरीका पता होगा बिक्रैमूल का फॉर्मूला क्या होता है भाई सी पी इन टू हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा हंड्रेड सबसे पहला या दूसरा लेक्चर में ये फॉर्मूला बताया था आप लोग को लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम किए ये सातवां लेक्चर है आप लोग के लाभ हानि का और शायद ये पहली बार यूज करने जा रहे हैं हम लोग ठीक है तो लाभहानी में सब फॉर्मूला सब यूजलेस है उतना काम आता नहीं है ठीक है लेकिन जहां जरूरत हो वहां लगाना भी आना चाहिए ताकि अगर कहीं पे थोड़ा सा समय बच रहा है तो ठीक है लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो देखो ये विक्राम निकालने का फॉर्मूला है तो भाई यहां से अगर एसपी निकालोगे आप लोग तो सीपी है दस रुपया सौ प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक सौ चालीस और बटामे सौ तो है ही अब देखो दो जीरो से दो जीरो कट गया कितना आ गया चौदह रुपया मूल्य कितना हुआ चौदह रुपया कितने पेन का मूल्य है तो सात कलम का व्यापार था तो सात कलम का व्यापार अगर चौदह रुपये हो रहे हैं सात पेन अगर चौदह रुपये में बेचा जा रहा है सात पेन का एस पी चौदह रुपया है तो एक पेन का कितना होना चाहिए एक पेन का एस पी क्या होना चाहिए दो रुपीज होना चाहिए पूछा जा रहा है दस रुपए में कितने पेन मिलेंगे तो भाई दो रुपए में एक कलम तो दस रुपीज में कितने हो जाएंगे पांच कलम होने चाहिए ठीक है पांच पेन होने चाहिए दो का पांच गुना दस तो एक का पांच गुना पांच ठीक है पांच कलम होने चाहिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीन ये हुआ बात जब आप विक्रयमूल फॉर्मूला से निकाल के बनाएंगे दूसरा तरीका मेरा देखिए ठीक है थोड़ा समझना है लेकिन अगे बार समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा देखो ये तब था ये मेथड हम लोग तब लगा रहे हैं जब हम लोग क्रैमुल और विक्रैमुल को इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना रहे हैं अब हम लोग क्रैमुल बिक्रैमुल, बिक्रैमुल को इस्तेमाल करके नहीं बनाएंगे अब हम लोग जो वस्तु की संख्या है उसको इस्तेमाल करके बनाएंगे ठीक है देखो और ये काम हम लोग तब करेंगे तब किया करेंगे याद रखना है थोड़ा सा कि जब रुपया जो है अमाउंट जो है वो बराबर दिया रहे दस रुपए का खरीदी किया दस रुपए का बेच रहा है ठीक है व्यापार समान रुपए का किया जा रहा है दस रुपए का खरीद के लाए थे दस रुपए बेचे तो उस स्थिति में इस वस्तु की संख्या को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बस याद यह रखना है कि जब हम लोग वस्तु की संख्या को इस्तेमाल करेंगे तो सारा प्रोसेस उल्टा करेंगे जो इस तरीके में लगाया उसका उल्टा काम ठीक है जैसे देखो सात पेन खरीदा ठीक है सात पेन खरीदा है ना क्रैमुल पर सात पेन खरीदा और बेचा कितना ये हम लोग को निकालना है ये निकालना है तो भाई ये सात खरीदने वाला पेन था क्रैमुल वाला पेन था तो जैसे देखो यहां बिक्रैमुल निकालने के लिए क्रैमुल में सौ जोड़ लाभ प्रतिशत बटा सौ कर रहे हैं यहां क्रैमुल वाली वस्तु हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्रैमुल नहीं क्रैमुल वाली वस्तु सात वस्तु गुना हम लोग उल्टा काम करेंगे यहां सौ नीचे था तो सौ को ऊपर लेंगे और सौ जोड़ जो लाभ ऊपर था तो सौ जोड़ जो लाभ हम लोग नीचे लेंगे मतलब एक सौ चालीस ये काम हम लोग तब कर रहे हैं जब वस्तु की संख्या को इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक है तो सात से चालीस कटा बीस बार में बीस से सौ कटा पांच बार में सीधा आंसर मिल गया पांच कलम बेचा ठीक है पांच पेन बेचा ठीक है मिल गया सवाल का आंसर बहुत आसानी से अगर इस मेथड पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत समय बचेगा एग्जाम में ठीक है जो क्वेश्चन आपका एक मिनट में बनने वाला है वो दस सेकंड में बन जाएगा ठीक है तो एग्जाम में अगर कुछ सेकंड भी बचते हैं तो काफी फायदेमंद होता है क्योंकि कई क्वेश्चन जो भारी भरकम होते हैं जिसको प्रोसेस से बनाना ही जरूरी होता है कोई उपाय नहीं है तो उसमें यह सब काम आता है ठीक है तो इसलिए समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कीमती है समय का कीमत उस विद्यार्थी से पूछा जा सकता है जिसके 10 सेकंड 20 सेकंड की वजह से एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन छूट जाते हैं ठीक है तो इसलिए हर सेकंड का कीमत है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और एंटरटेनमेंट के रील्स देखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए और जहाँ तक संभव हो पढ़ाई और एग्जाम को फोकस करते हुए अपना काम करेंगे ठीक है देखो ये क्वेश्चन आर आर का है पीछे भी अलग अलग एग्जाम के ही पूछे क्वेश्चन थे

दस संतरा क्या किया भाई बेचा एक रुपए में दस संतरा बेचा तो खरीदा कितना एक रुपए में खरीदा कितना ये पूछा जा रहा है कितना संतरा खरीदा तो देखो आप लोग को बताए थे कि हर काम उल्टा करना है अगर हम लोग संख्या को इस्तेमाल करते हैं तो यहां बेचने वाली संख्या है, खरीदना वाला निकालना है तो देखो खरीदने का फॉर्मूला सीपी मतलब क्रैमुल का फॉर्मूला होता था क्या होता था भाई बिक्रैमुल गुना सौ में सौ जोड़ लाभ प्रतिशत ये क्रैमूल का फॉर्मूला था लेकिन ये क्रैमुल का फॉर्मूला था हम लोग क्रैमूल नहीं बिक्रैमुल नहीं हम लोग यहां पर बिक्रैमुल वाली वस्तु को इस्तेमाल करेंगे तो वस्तु कितना है दस गुना सौ जोड़, जोड़ लाभ प्रतिशत यहां ऊपर करना होगा क्योंकि मूल्य वाले फॉर्मूले में नीचे था तो वस्तु वाले फॉर्मूला में आपको ऊपर करना पड़ेगा तो 100 जोड़ 30 प्रतिशत का लाभ है तो 130 रखो ऊपर अब बटा में 100 एग्जाम में बस इतना सा ही रफ वर्क करना है आपको दो जीरो से दो जीरो कट गया कितना आया भाई तेरह रुपया सॉरी तेरह संतरा ठीक है तेरह संतरा तेरह संतरा को क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है ठीक है तेरह संतरा बेचा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया आए बस समझ में तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में कम से कम मेहनत में पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए अभी और भी लाभानी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के वीडियो आने वाले हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में